सार्थक इतनी शानदार सफलता के लिए बालगुरु सर को से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको पता था कि आप टॉप करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो मेरे को बिल्कुल कहीं मतलब सोचा भी नहीं था मैंने कि टॉप कर पाऊंगा मैं। अच्छा रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन मतलब ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लाना ये मेरे सही में कभी मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया। तो इसकी तैयारी आपने कैसे की, क्या क्या रणनीति रही आपको पढ़ाई लिखाई की? रणनीति में यही थी कि मैं अपना पढ़ाई में फोकस रहूँ, अपना हार्डवर्क पूरा करूँ जितना मैं कर सकता हूँ, और रिजल्ट की चिंता जितना हो सके उतना ना करूँ। जब तक मैं अपना बेस्ट दे रहा था मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और इसी पर मेरा हमेशा फोकस रहा। इस सफलता का श्रेय आप किसको किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले तो गॉड ऑलमाइटी, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब ने कंट्रीब्यूट किया है इसकी तरफ, और तभी आज ये दिन आज हुआ है। पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के आगे की आपकी क्या रणनीति, आगे क्या करना चाहिए? मेरा पढ़ाई के रिलेटेड तो मैं आगे अभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहूँगा क्लास ट्वेल्थ के बाद, और उसके बाद मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का या फिर MBA में जाने का प्लान है। क्या ऐसे कुछ लोगों को नाम बताइए जिनके विचारों से आप प्रभावित हैं, ऐसे महापुरुष और उनको लगता है आपको प्रेरित करते हैं? प्रेरित तो करते हैं मुझे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। मैं उनकी पॉलिसीज को और उनको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, और उससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है, और करने की चाह भी आती है। जो बच्चे अगले साल परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं उनको आप क्या किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे कि वो किस तरह तैयारी करें, क्या करें कि वो भी अच्छे पोजीशन? ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके रिजल्ट की चिंता ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बच्चे इसमें होते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे आते रहें चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये उनकी चिंता मार्क्स पर नहीं है, उनको अपना बेस्ट पे ना देना देखना चाहिए कि कैसे वो अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको और अच्छा कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट फिर इम्प्रूव होगा अगर वो अपनी मिस्टेक्स को देखकर और अपने सक्सेसेस को रीइंफोर्स करके अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ, इसमें मैं एंड ओनली चाइल्ड, मेरे फादर और मेरे मदर रहते हैं, और बस फैमिली के बारे में, वी आर वेरी क्लोज फैमिली, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सारे के सारे, आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स वेरी मच। पढ़ाई के अलावा आपके क्या क्या हॉबीज हैं? क्रिकेट खेलना मेरे को बहुत पसंद है सर, क्रिकेट खेलता हूँ मैं। स्पोर्ट्स में मेरा वैसे भी बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, और स्पोर्ट तो देखता हूँ मैं, लॉन टेनिस भी हूँ और टेबल टेनिस भी मेरे को बहुत पसंद है। स्केचिंग करने का शौक है मेरे को, सिंगिंग का भी है शौक। क्रिकेट को लेकर के आप शायद कुछ रणनीति बना रहे हैं कि इसमें कुछ करने के लिए? नहीं नहीं, क्रिकेट में अपने से शौकिया खेलता हूँ क्रिकेट, अपने मज़े के लिए मैं हर रोज़ मतलब बाहर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलता हूँ, कुछ ऐसा सीरियस नहीं, सीरियस आगे मैं परसू नहीं कर पाऊँगा। पिछले दिनों एक अखबार में मैंने पढ़ा कि आपको फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक करने का ये कहूँगा कि उनको अगर मुझसे इंस्पायर होते हैं, अगर वो मेरी सफलता को देखकर अगर कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं और मुझे कुछ इस चीज़ में दिखना चाहते हैं, तो मैं ऐसे बहुत खुश हूँ कि जितना लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये कहना चाहूँगा कि हाँ अगर आपको मुझसे अगर मेरे को देखकर आपको फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर। क्या सोशल साइट्स बच्चों को या जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको सपोर्ट करती है, किसी तरह का मोटिवेशन मिलता है या नेगेटिव लेते हैं आप कैसे? ये आपकी पर्सनल पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, आप मोटिवेट भी कर सकते हैं आपको अगर आपका स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करें कि आप अगर रिलैक्स करना चाहें, और नेगेटिव में भी जा सकते हैं अगर आप ओवर इंडल्जेंस उसमें करें और पढ़ाई से टाइम हटा हटा कर उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट करें, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा नहीं देगा वो जितना देना चाहिए उसको, और नुकसान और आपको हो सकता है उससे। सार्थक बालगुरु से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुभकामनाएं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।